हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीज फूड स्टेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक आसान सी रेसिपी चॉकलेट पेस्ट्री बनाने की, जिसे आप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें चॉकलेट केक की जगह पर ब्रेड का यूज़ किया है। पर ये देखिए, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और खाने में भी इसका टेस्ट एकदम चॉकलेट पेस्ट्री की तरह है और बहुत ही सॉफ्ट ये बनी है। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी कि हमने इसे कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे अमूल क्रीम, ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर 250 ml क्रीम ली है। इसे हम डाल देंगे एक सॉस पैन में और इसे एकदम स्लो गैस पर हमें गर्म करना है। इसे हमें ना पकाना है और ना ही उबाल आने देना है, सिर्फ इसे अच्छे से गर्म कर लेना है, ये देखिए। और जैसे ही ये गर्म हो जाए, हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बार अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चॉकलेट। चॉकलेट यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट का यूज़ किया है। आप अमूल की डार्क चॉकलेट या फिर और भी कोई ब्रांड की कर सकते हैं, जो वज़न में है 400 ग्राम। और एक चम्मच हम इसमें डाल देंगे बटर और इसे आप ढक्कन लगाकर हम छोड़ देंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, चॉकलेट बहुत आसानी से इसमें मेल्ट हो जाएगी। तो इसे अब हमें अच्छे से तब तक मिक्स करना है जब तक कि क्रीम, बटर और चॉकलेट सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। गैस हमें ऑन नहीं रखनी है, गैस हमें सिर्फ क्रीम गर्म करने तक ही ऑन रखनी है, ये देखिए। तो ये हमारा यहाँ पर चॉकलेट गनाश बनकर रेडी हो रहा है। इसे आप चाहें तो किसी भी चॉकलेट केक में यूज़ कर सकते हैं, पर आज हम इसे चॉकलेट पेस्ट्री बनाने के लिए यूज़ करेंगे और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी है। तो इसे अब हम खाली कर लेंगे एक बोल में और ठंडा होने के लिए हम इसे रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ देंगे। फ्रिज में ना रखें वरना ये हार्ड हो जाएगा। तो 10 से 15 मिनट आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये अपने आप ठंडा होकर गाढ़ा हो जाएगा। तो जब तक हमारा गनाश ठंडा हो रहा है, तब तक हम ब्रेड को कट कर लेंगे साइड से इस तरह से। मैंने यहाँ पर होल व्हीट ब्रेड का यूज़ किया है। आप कोई भी ब्रेड अपनी पसंद की ले सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट पेस्ट्री बना रहे हैं इसलिए मैंने ये ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है। तो इस ब्रेड के जो साइड्स होते हैं, इसे हमें निकाल देना है क्योंकि वो हार्ड होते हैं। और आप इस साइड से ब्रेड क्रम्ब बना के उनको रख सकते हैं, उनको फेंकिए मत। तो अब हम एक प्लेट में इन ब्रेड को अरेंज कर लेंगे और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप लेकर उसमें पानी मिला के और एक चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दी थी। इससे हम अब ब्रेड को सोक करेंगे ताकि ये ब्रेड एकदम सॉफ्ट हो जाए और मॉइस्ट हो जाए। और इसमें मिठास के लिए हमने पिसी हुई चीनी का यूज़ किया है, तो ये ब्रेड मीठी भी हो जाएंगी। तो अब हमारी ब्रेड पूरी तरह से सोक हो चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर जो गनाश हमने रेडी किया था उसे लगा लेंगे। ये देखिए, ये थिक हो चुका है क्योंकि इसे हमने छोड़ दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसे हम पूरी ब्रेड पर इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। इस चॉकलेट गनाश को आप कम या ज़्यादा अपनी पसंद के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी लेयर हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसे भी हम सोक करेंगे अच्छे से चॉकलेट वाले सिरप से। ध्यान रहे, सोक करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप जब केक खाएंगे तो आपको एकदम रूखा सूखा सा लगेगा, क्योंकि ये ब्रेड से बना रहे हैं हम। तो इसे हमें अच्छे से सोक कर लेना है ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। फिर से इसके ऊपर हम लगा लेंगे चॉकलेट की क्रीम या चॉकलेट गनाश। ये गनाश बनाने में 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है, बस हमें क्रीम को गर्म करना रहता है और उसमें चॉकलेट को मेल्ट करना रहता है। चॉकलेट आप चाहें तो स्वीट चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर डार्क कंपाउंड यूज़ किया है। सेम तरीके से हम ब्रेड की सारी लेयर को इसी तरह से लगाते जाएंगे। अब ये लास्ट लेयर हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 4 लेयर की ब्रेड पेस्ट्री बनाई है। आप चाहें तो 3 की भी बना सकते हैं या फिर 5 से भी बना सकते हैं। अब इसे हम ऊपर से भी इस क्रीम गनाश से कवर कर लेंगे और जब ये ऊपर से पूरी तरह से क्रीम से कवर हो जाए, तो साइड से भी आप इसको बची हुई चॉकलेट गनाश से कवर कर लें ताकि ये पूरी तरह से ढक जाए क्रीम से और ब्रेड आपको दिखे ना। ये देखिए, इसी तरह से। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा टूल
की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कोई भी चम्मच या स्पैचुला की हेल्प से कर सकते हैं इसे। इसके बाद हम इस प्लेट को भी क्लीन कर लेंगे जो क्रीम लगी हुई है। अब यहाँ पर मेरे पास एक स्टार नोजल है और इस पाइपिंग बैग में मैं बचे हुए गनाश को डालकर इसमें भर लूँगी और इसमें छोटे से एक फ्लावर निकाल लूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है नोजल तो कोई बात नहीं, आप बिना इस फ्लावर के भी इस पेस्ट्री को बना सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बस इसी तरह से हम इसके ऊपर छोटे से फ्लावर निकाल लेंगे और अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर चेरी लगा रही हूँ। अगर आपके पास हो तो आप लगा सकते हैं ताकि ये दिखने में और भी अच्छा लगे। अब ये जो इस तरह से चॉकलेट के स्प्रिंकल मिलते हैं उनको मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अगर ये आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पर चॉकलेट को इस तरह से ग्रेट करके इसका भी यूज़ कर सकते हैं इसे कवर करने के लिए। इस तरह से आप चॉकलेट को नाइफ से थोड़ा सा बारीक बारीक कट कर लीजिए। अब हम इसको 4 पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए, आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख कर कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे तुरंत कट किया है, आप चाहें तो सेट होने के बाद कट कर सकते हैं। अब बची हुई चॉकलेट को हम इस तरह से साइड्स में भी डाल देंगे ताकि ये पूरी तरह से कोट हो जाए। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इस स्टेप को या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी चॉकलेट पेस्ट्री बनकर तैयार है। है ना एकदम आसान, ना आपको केक अलग से बेक करने की ज़रूरत है। बस 5 मिनट में इस क्रीम के साथ आप इस पेस्ट्री को तैयार भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, आसान सी हमारी चॉकलेट पेस्ट्री लग रही है ना एकदम टेस्टी। और यकीन मानिए, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी और रिच है। मैं इसे आपको कट करके भी दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है, देखिए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय।